तो उसमें इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर कह रहा है कि सर्कमस्क्राइब एंड इनस्क्राइब सर्कल, इनस्क्राइब सर्कल विद रिगार्ड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विद द साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये आपको साइड दी गई हैं, इससे आपने एक सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना है और एक जो है वो इनस्क्राइब सर्कल बनाना है। जो हमें रिक्वायर्ड है वो है सर्कमस्क्राइब सर्कल। दूसरा जो है इनस्क्राइब्ड। तो ये जो मेजरमेंट से पहले इसके मुताबिक हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर है तो एक लाइन लगाएंगे ए बी की 3 सेंटीमीटर। ये लाइन आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर की, इसका नाम रख देते हैं ए बी। इसके बाद एक आर्क हमने लगानी है 5 सेंटीमीटर की। हमने 5 सेंटीमीटर तक ओपन किया, इसको यहाँ पर रखेंगे। तो ये आर्क आ गई 5 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट आर्क 4 सेंटीमीटर की, तो ये 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे इसको और यहाँ से आर्क आएंगे एक हम 4 सेंटीमीटर को। इस पॉइंट पर टच किया और ये ऑटोमेटिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, क्योंकि ये साइड जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो 4 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। ये पॉइंट सी आ गया और ये एंगल ये आ गया राइट एंगल। तो हम इन स्टेप सर्कल ड्रा करते हैं। पहले इसके लिए हमें चाहिए होंगे इसके एंगल बाइसेक्टर्स। यहाँ से पहले हम एंगल बना लेते हैं इसके, यहाँ से आप ज़्यादा ओपन कर सकते हैं इधर से, यहाँ पे रख के दें फिर यहाँ पे रख के। तो ये एक एंगल बाई सेक्टर आ गया।
अब इसी तरह हम दूसरा एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे पॉइंट ए पे रख के, तो ये आ गया दूसरा। और ये हम कहते हैं कि इसमें ए ई एंड बी एफ जिन पॉइंट में ये पॉइंट को क्यू रख लें, इसको आर रख लेते हैं, और ये पॉइंट पी। और इस पॉइंट से हमने अब एक बाइसेक्टर ड्रा करना है कि एक हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। क्योंकि उसी हमारा रेडियस आ जाएगा, यहाँ से हमने एक आर्क लगा दी, यहाँ पे दूसरी आर्क, तो ये लाइन जो है हमारे आगे रेडियस के ऊपर यहाँ पे जिस पॉइंट पे टच किया इसे आप इसको रेडियस ले सकते हैं। इसको नाम डी रख लें बेश, यहाँ आप सेंटर को ओ कह लें और इसको पी कह लेते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से जो पॉइंट जहाँ से आपने आपने फिर पॉइंट को ड्रॉप किया, यहाँ से पॉइंट पी तक जो उसका डिस्टेंस है वहाँ तक आपने कंपास खोलना, और इससे आगे हम लगाएंगे आर्क्स। इधर हमने खोल लिया इसको, तो ये पॉइंट पी तक खोल के हम लगाएंगे आर्क सब। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो सर्कल हमने ड्रा किया ये ट्रायंगल की साइड को इंटरनली टच कर रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो इन सर्कल है। अब हमने नेक्स्ट लिखनी है इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, और कंस्ट्रक्शन स्टेप इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम अब जो हमने काम किया। कंस्ट्रक्शन स्टेप में सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया था जो कि था ए बी, जो कि 3 सेंटीमीटर का था। अब हम लिख सकते हैं ड्रा, ये ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा किया है जो कि 3 सेंटीमीटर का था। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने सेंटर ए से हमने एक आर्क लगाई थी 5 सेंटीमीटर की, जो कि थी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की आर्क ए सी। तो इस पर हम लिखेंगे हम विद सेंटर ए draw an arc of radius 5 cm। इसके बाद हमने पॉइंट बी पे फिर बी से लेके
सीता कर रहे थे जिसका रेडियस था 4 सेंटीमीटर विद सेंटर एट बी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच इट कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। हम देख सकते हैं कि ए से जो आर्क गई थी और जो बी से आ रही है उन्होंने पॉइंट सी पर एक दूसरे को कट किया। उसके बाद हमने किया था ज्वाइन किया था ए को बी के साथ। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे कि हमने ए और बी को आपस में ज्वाइन किया। ज्वाइन सी विद ए एंड बी। ज्वाइन करने के बाद हमारी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो गई थी। दस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद हमने इसके एंगल बाइसेक्ट ड्रा किए थे। पहले एंगल बी को हमने बाइसेक्ट किया, फिर ए को किया, फिर जैसे दो बाइसेक्ट ड्रा करके इस पॉइंट मैच किए थे वो हमने लिखा था। तो पहले पहले लिखते हैं बाइसेक्टर के बारे में। हमने बाइसेक्टर ड्रा किए थे, ड्रा ए ई एंड बी एफ टू बाइसेक्ट द एंगल्स बी ए सी एंड ए बी सी। उसके बाद ये हमने दो रेज ड्रा की थी, एक ए ई और एक बी एफ। और रेज ए ई एंड बी एफ इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ, और ये पॉइंट ओ पर जाके आपस में मीट कर गए। और ओ से हमने फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था पॉइंट पी तक, वो लिखेंगे उसके बारे में। ओ इज द सेंटर ऑफ द इनस्क्राइब सर्कल। आगे फ्रॉम ओ ड्रा ओ पी जो कि असल में था परपेंडिकुलर टू ए बी। उसके बाद हमने ये जब ड्रा कर लिया था परपेंडिकुलर, उसको ड्रा करने के बाद हमने यहाँ तक मतलब रेडियस ए पी तक जो है कंपास खोली थी और इससे ये सर्कल हमने ड्रा कर लिया था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद सेंटर ऑफ द विथ सेंटर एट ओ एंड रेडियस ओ पी ड्रा अ सर्कल और ये मतलब रिक्वायर्ड इंस्क्राइब सर्कल था हमारा जो कि हमने ड्रा किया।
दिस सर्कल इज रिक्वायर्ड इन स्क्रैप सर्कल. अब ट्राइंगल एबीसी उसका सेकंड पार्ट जो है ये इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे हमने जो ड्रा करना है वो इसके सर्कम सर्कल ड्रा करना है. तो सेकंड पार्ट की जो मेजरमेंट्स हैं वो भी जाएंगे. ये मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसमें सर्कम सर्कल ड्रा करना था हमने. सर्कमस्क्राइब सर्कल और ट्रायंगल, उसकी मेजरमेंट थी 3 सेंटीमीटर. फोर सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो ट्रायंगल हमने जैसे पहले ड्रा की थी वैसे ड्रा कर लेंगे, उसके बाद इसका सर्कम सर्कल ड्रा करते हैं. तो ट्रायंगल ड्रा करने के लिए हमने पहले 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी, एक लाइन सेगमेंट लेंगे 3 सेंटीमीटर का. ये 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आ गया ए बी. फिर तो हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क खोली थी और फिर 4 सेंटीमीटर की आर्क खोल के उनको आपस में इंटरसेक्ट किया. फिर हम 5 सेंटीमीटर की खोलते हैं फिर से. फिर 5 सेंटीमीटर की इसके बाद 3 सेंटीमीटर की सॉरी 4 सेंटीमीटर इधर से रख के आगे यहाँ तक. और जहाँ पर ये मीट करेंगी वो पॉइंट सी होगा. तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई हमारी. अब हमने यहाँ पे इसका सर्कम सर्कल ड्रा करना है और सर्कम सर्कल ड्रा करने के लिए हमें इसके साइड्स के बाइसेक्टर ड्रा करने पड़ेंगे. उसके आप यहाँ से इसकी हाफ साइड ओपन करेंगे कंपास को, इस लाइन सेगमेंट का ड्रा कर लेते हैं हम. इसकी हाफ साइड ओपन करें, एक आर्क लगाने यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, इसको पॉइंट सी पे रखें जिस पे ये मीट कर रहे हैं और यहाँ पे लगाएंगे एक आर्क और एक आर्क, इसको इंटरसेक्ट करेंगे. तो ये लाइन आएगी, ये इसका बाइसेक्टर होगा पहले. तो इसको मैच करेंगे आपस में इन दोनों आर्क्स को. एक साइड को हमने बाइसेक्ट किया, अब इसके साथ जो इसकी सेकंड साइड है उसको भी बाइसेक्ट करेंगे यहाँ से.
तो यहाँ पे आगे इसने इसको तो टच किया और ये पॉइंट हम रख लेते हैं ओ, और ओ से ड्रा करेंगे इसका सर्कल। उसके लिए आप इसके किसी भी कॉर्नर तक ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इधर से, ये बी से और ये ए से, ये सारे कॉर्नर जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम लेंथ के ऊपर हैं। इस वजह से ये इसको इसके सारे कॉर्नर में से पास करेगा। तो पॉइंट ए, बी और सी, इसको हम ड्रा करते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल आ गया जो कि पॉइंट ए, बी और सी मतलब तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहे हैं। इसके बाद हमने लिखनी है इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। हम नाम भी रख सकते हैं इसमें, ये था पी क्यू, ये एल एम, तो ट्राइंगल इसमें हमने मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई उसके स्टेप सेम है, इसलिए वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे जो कोई उसी का पार्ट है। डायरेक्ट या राइट बाई सेक्टर से स्टार्ट करते हैं इसको। ड्रा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाई यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, जिससे हमने पहले ड्रा की थी उसी तरीके से सेम स्टेप थे। उसको तो मैंने ड्रा किया था एक बाइसेक्टर साइड बी सी का जो कि था पी क्यू। राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ आप पी सी, उसके बाद हमने एल एम ड्रा किया था साइड साइड ए सी का बाइसेक्टर। तो थर्ड स्टेप में लिखेंगे ड्रा राइट बाइसेक्टर एल एम ऑफ ए सी, और ये दोनों राइट बाइसेक्टर आपस में पॉइंट ओ पर जाके मीट किए थे, और उससे फिर हमने इसका सर्कल ड्रा किया था। तो इसके वाले लिखेंगे पी क्यू एंड एल एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, उसके बाद हमने ओ से लेके ए बी और सी तक का जो है वो कंपास ओपन किया और उसे हमने ड्रा किए थे इसके बाइसेक्टर्स। सो फिफ्थ स्टेप विद सेंटर ओ एंड रेडियस रफ ओ ए, रफ ओ बी
मेन ऑफ ओ सी, ड्रा अ सर्कल एंड दिस सर्कल विल पास थ्रू ए बी एंड सी, वेयर एज ओ इज द सर्कम सेंटर। Of the circumscribed circle. बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कहता है इन एंड अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब इन ड्रा करना और अराउंड, इन से मतलब है कि उसके अंदर ड्रा होना चाहिए और अराउंड से मतलब है उसके बाहर। इन एंड अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर draw a square तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसके अंदर इसने बोला कि इन, उसके बाद फिर आउट राउंड ड्रा करेंगे। कहते हैं इन अ सर्कल पहले हम सर्कल में ड्रा करेंगे, इसके लिए 4 सेंटीमीटर का करेंगे रेडियस। यहाँ से 4 सेंटीमीटर के रेडियस की ओपन करनी है कंपास, और ये आगे मेरे पास 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमने एक इसके बाद एक सर्कल ड्रा करना है 4 सेंटीमीटर का। तो ये सर्कल आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर रेडियस का। अब इसमें हमने एक कोऑर्डिनेटर ड्रा करनी है जो कि इसके अंदर बनेंगे। उसके लिए पहले हम एक डायमीटर लेंगे कोई भी, एक लाइन ड्रा कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल जो है राइट एंगल होते हैं, इसलिए हमें 4 राइट एंगल चाहिए इसके लिए। तो यहाँ से हमने एक डायमीटर ड्रा किया। उस डायमीटर को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता हुआ एक और डायमीटर हम ड्रा करेंगे। तो इसका आप राइट बाई साइड पर ड्रा कर सकते हो, यहाँ पे आप 90 का एंगल भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि राइट बाई साइड हम पहले ड्रा करते रहे, इसे यहाँ पे हम 90 का एंगल बना के देखते हैं।
पहले आर्क लगानी है एक, फिर दूसरी आर्क इसी लेंथ की, ये 60 की होती है, ये हमने 9th क्लास के अंदर सीखा था। फिर इसे पॉइंट पर रख के अगर हम एक आर्क और लगाएंगे तो ये होगी 120 की, और मतलब 60 और 120 वाली आर्क जिस पॉइंट पे जा के मीट करेंगी ये होंगे 90 डिग्री के अंदर। और यहाँ से आपने इसको मतलब मैच करना है और इसको प्रोड्यूस कर देना है मतलब सर्कल के एंड तक। तो ये आगे हमारा दूसरा डायमीटर जो कि पहले वाले डायमीटर से 90 का एंगल बना रहा है। उसके बाद हमने जो ये पॉइंट्स मतलब जिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये डायमीटर सर्कल को, इन पॉइंट्स को आपस में हमने मैच कर देना। इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर थी, इसकी भी ये रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर का रेडियस और ये भी 4 सेंटीमीटर का। इसको मैच करें, इसको पॉइंट ए का नाम दे लें। इसी तरह यहाँ से पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो ये जो हमारा सर्कल के अंदर जो है वो स्केयर कंप्लीट हो गया। अभी इसके सेकेंड स्टेप लिखने हैं हमने। ने यहाँ पे सर्कल ड्रा किया था एक, तो लिखेंगे ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। विद ओ एस सेंटर, तो पॉइंट ओ हमारा आ गया सेंटर के लिहाज से। उसके बाद एक बाइसेक्ट हमने यहाँ पे डायमीटर ड्रा किया था जब यहाँ पर एसी और उसने मतलब बी डी आपस में राइट एंगल के तौर पर। तो सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे थ्रू ओ ड्रा टू डायमीटर्स एक था एसी एंड दूसरा था बी डी विच बाइसेक्स इज अ एट राइट एंगल। उसको हमने इनको ज्वाइन कर दिया था सारे पॉइंट्स का आपस में जहाँ पे ये डायमीटर सर्कल के साथ मीट कर रहे थे। Join A with B, B with C, C को D से किया था, C with D and D, तो ये आपस में और D को फिर A के साथ। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं A को B के साथ, फिर B को C, C को D और D को फिर A के साथ। एंड डी विद ए। तो इस तरह ही हमारे सर्कल के अंदर जो है स्केयर कंप्लीट हो गए 10 ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड
स्क्वायर इंस्क्राइब इन सर्कल। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमने स्क्वायर जो है वो सर्कल के अराउंड बनाना है, जिसका 4 सेंटीमीटर होगा रेडियस। यहाँ पे अराउंड अ सर्कल, विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें स्क्वायर ड्रा करना है जो कि सर्कल के अराउंड होगा, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम जो है 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, आप कंपास खोल सकते हैं 4 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लेंगे इसमें। उसकी डायमीटर जिसमें हमने पहले ड्रा किया था वैसे ही ड्रा करेंगे। एक डायमीटर लेंगे साथ, तो ये डायमीटर आ गया। इसके साथ दूसरा डायमीटर इसके राइट एंगल पर ड्रा करना है हमने। उसके लिए फिर से कंपास यूज़ करेंगे राइट एंगल ड्रा करने के लिए। कार्ट में आएंगे इधर से, क्योंकि 60 की, और इधर से फिर ये 120, और इनको अब बाईसेक्ट करना है तो 90 का एंगल आएगा। इसके लिए यहाँ से आर्क और इधर से यहाँ पे जो लाइन में से पास कर रही है वो सीधी एंड तक जाएगी, और ये हमारे पास डायमीटर आ गए 2 एट राइट एंगल। अब ये जिन पॉइंट्स पे सर्कमफ्रेंस के साथ टच हो रहे हैं, इन पॉइंट्स पे हमने ड्रा करना है, मतलब टेंजेंट ड्रा करना है 4, क्योंकि स्क्वायर बनाने हैं तो स्क्वायर की 4 साइड्स और 90 के एंगल पे होते हैं स्क्वायर्स। इसे यहाँ पर ड्रा करेंगे, इस पॉइंट को लेंगे पॉइंट पी, यहाँ हमने ड्रा करना राइट एंगल। ये हो गया 60 का एंगल, इस पर रख के यहाँ पे ड्रा करेंगे, ये हो गया 120 और फिर 90 का सो। और ये जिस पॉइंट पे, चूंकि हमने पढ़ा था कि टेंजेंट भी वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है सर्कल का, इसलिए यहाँ से ड्रा करने की लाइन जो पॉइंट पी कह लें, अगला पॉइंट पॉइंट क्यू था, फिर भी ड्रा करनी है वैसे ही लाइन। तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल बनाना है, उसके लिए फिर यहाँ पर यहाँ पे हमें 90 का एंगल ड्रा करना पड़ेगा इसी तरीके से जैसे हमने पहले ड्रा किया 120 और 60। उसके बाद यहाँ से
और हमें ड्रा करना है इस पॉइंट पे टेंजेंट जो कि 90 के एंगल पे, हम ड्रा किया यहाँ से। तो ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे पॉइंट ए हो गया, आगे से पी क्यू अगले साइड जो है वो आर है, यहाँ पे ड्रा करेंगे हम पॉइंट आर के ऊपर एक राइट एंगल ड्रा करना है। पॉइंट आर को मैच करेंगे तो इस राइट एंगल के साथ, ये पॉइंट बी आ गया स्क्वायर का। हम लास्ट में पी क्यू आर पॉइंट एस होगा, यहाँ पे हम ड्रा करेंगे अब एक राइट एंगल, तो जो के आपस में मीट करेंगे तुम्हारे पास जो सा रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो आ जाएगा। ऊपर ये आर्क लगाई हमने, उसके बाद ये 60 का, ये एंगल 120, और जहाँ पे ये बाइसेक्ट करेगा वो एंगल होगा 90 का। हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, पॉइंट ए बी इसको सी कहना है और इसको डी कहना है। इसके स्टेप्स लिखने हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया उसमें, लिखेंगे ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद ओ एज सेंटर। चलो मैं दो डायमीटर ड्रा किया जो आपस में 90 के एंगल में, पी आर एंड क्यू एस विच बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये बाइसेक्ट के जो पॉइंट ओ के ऊपर पॉइंट ओ कह सकते हैं हम, एट पॉइंट ओ तो थर्ड पॉइंट में हमने ये पॉइंट मतलब पी क्यू आर एस के ऊपर जो राइट एंगल ड्रा किए थे और बाद में इनको मैच कर दिया था, पर मीन्स के मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड स्क्वायर आ गया था।
विच द एट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस ड्रा टेंजेंट्स. टेंजेंट्स आपको पता है कि 90 एंगल पे होते हैं टू मीट ईच अदर. At A, B, C and D. तो फिर हमने इनको मैच कर दिया आपस में. इनके जो से टेंजेंट ड्रा किए थे वो A, B, C और D पे मैच किए और ये A, B, C, D जो हम ये हमारा रिक्वायर्ड्स किया था. Hence A, B, C, D is the required scale. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. कह रहे हैं इन एंड अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ड्रा अ रेगुलर हेक्सागन. इन एंड अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ड्रा अ रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन जो होती है वो हम मतलब छः कोनों वाली शेप होती है उसमें हर एंगल अगर एक रेगुलर हेक्सागन है तो उसका हर एंगल जो है वो 60 के इक्वल होता है. मतलब रेगुलर हेक्सागन की पहचान है कि ईच एंगल इक्वल टू सिक्सटी विद सेंटर. और अगर जो फॉर एग्जाम्पल उसकी इस तरह की शेप है हेक्सागन की तो ये जो सेंटर से एंगल बन रही है वो एंगल 60 के होते हैं. इस तरह अगर आप ओवरऑल एंगल देखेंगे वाला तो ये वाला एंगल 120 का होगा. तो हमने यहाँ पे पहले 60 के एंगल से इसको स्टार्ट करना है फिर सारे एंगल जो हैं ये खुद दिया देंगे इस तरह. तो इसको ड्रा करने का तरीकाकार जो है वो कहते हैं. तो ये जो इसकी ट्रायंगल बनती है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है असल में. क्योंकि ये एंगल 60 का ये भी 60 और ये भी 60 का होता है. तो पहले हम यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे एक एंगल बना के और उसके बाद सारे एंगल जो हैं वो इक्वल आते जाएंगे उसके. यहाँ पे हमको पॉइंट लेंगे पॉइंट ओ और उस पर से एक सर्कल ड्रा करेंगे मेरे 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का. ये 3.5 सेंटीमीटर अब इसका हम रेडियस ड्रा करेंगे 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लेंगे और इसके अंदर हम हेक्सागन ड्रा करेंगे. ये का पॉइंट ओ यहाँ से पॉइंट
उसे हम कोई सा एक पॉइंट ए ले लेंगे, फॉर हमने पॉइंट ए ले लिया यहाँ पे। इस पॉइंट ए से हम इसकी रेडियस के इक्वल जो है ना एक आर्क ड्रा करेंगे, इसमें हम 60 का एंगल बनाते होते हैं। तो यहाँ से पॉइंट ए और पॉइंट ए से हम कोई आर्क ड्रा करेंगे इधर, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बी पर ड्रा कर लें। उसकी लेंथ होगी ओ ए, और ये देखें जो यहाँ से ड्रा हुई है इसकी लेंथ इक्वल है ओ बी के। तो ये लेंथ ओ ए लेंथ, और इसको अगर हम पॉइंट बी कह लें उसकी लेंथ है ओ बी के, और एंगल जो कि इसका बनता है 60 डिग्री का। हम इनको मैच करें यहाँ से, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देख सकते हैं ये जो हमने लेंथ ली थी यहाँ से ओ ए के इक्वल लेंथ और ए बी लेंथ और बी ओ लेंथ, ये तीनों लेंथ जो है वो सेम है। ये लेंथ ए बी, ये ओ ए और इधर से ओ बी, ये तीनों लेंथ सेम है। इस वजह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल जो है वो इक्वल होगा 60 डिग्री के। इसका मतलब है कि हम जो भी आर आएगी यहाँ से वो 60 डिग्री के एंगल पे ही आएगी। इस वजह से हम उसके बाद यहाँ से पॉइंट बी से लगाएंगे एक आर्क, इसको पॉइंट सी कह लेंगे, फिर यहाँ से रख के लगाएंगे तो पॉइंट डी आ जाएगा, फिर यहाँ पे ई, उसके बाद एफ, उसके बाद अगेन जो है पॉइंट ए आ गया। तो ये आर्क्स से आएंगे और बाद में इनको मैच करना है हमें। मैच करेंगे पॉइंट सी के साथ, फिर सी को डी के साथ, डी को ई, एफ, ए। तो ये हमारी रेगुलर हेक्सागन आ गई सर्कल के अंदर। अब इसके हम स्टेप देखेंगे। हमने पॉइंट लिया था ओ, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स तो टेक ओ एज ए सेंटर, एंड ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जब ये सर्कल ड्रा किया उसके बाद पॉइंट ए लिया था, कोई भी सर्कल के पर ले सकते हैं। तो टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल,
उसके बाद ए से जितना ओ ए का रेडियस था उसी से हमने आर्क लगाई थी पॉइंट बी के ऊपर। तो हम थर्ड स्टेप में कह सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ ए विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। फिर हमने पॉइंट बी से आगे पास गई थी जॉइन ओ एंड ए विद पॉइंट बी हमने पॉइंट बी के साथ चयन कर लिया था और ए को, तो ये 60 के अंदर है। उसके बाद बी से हमने इसको फिर आगे सी डी ई एंड एफ तक ले गया था। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो तब तीनों साइडों की लेंथ था ये सेम थी, इसकी वजह से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल जो है 60 डिग्री के इक्वल होता है, सच दैट ए बी लेंथ इक्वल थी ओ ए के और वो इक्वल थी ओ बी के। हेंस ईच एंगल ऑफ मेयर 60 डिग्री। तो हमने आर स्ट्रा की सेम लेंथ की draw the arcs C, D, E, F and A, फिर A पे जाके मीट किया। अब सेम लेंथ ऑफ रेडियस ओ ए, उसके बाद हमने इनको ज्वाइन कर दिया था बी को सी है, सी को डी टी ई और ई एफ एंड एफ ए। पॉइंट नंबर 6 है जॉइन सी टू डी, तो डी को फिर ई से किया था एंड ई टू एफ।
स्टेबल समय बड़ा सेम रेडियस आ गया. वी हैव मेयर ऑफ ओ ए टू मेयर ऑफ ओ बी टू मेयर ऑफ ओ सी टू मेयर ऑफ ओ टी इक्वल टू मेयर ऑफ ओ ई जो इक्वल है ओ एफ के. ये छः पॉइंट्स बने हुए हैं. ये हमारे पास आगे थी हेक्सागन के अंदर. हम कह सकते हैं कि 10 का फिगर ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल यहाँ पे हमारी फर्स्ट डिग्री वो कंप्लीट हो गया. इसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं. इसमें हमने मतलब सर्कल स्ट्राइक करना है एक रेगुलर हेक्सागन को जो सर्कल के अराउंड. क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है ये. यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. इससे पहले हम 3.5 सेंटीमीटर की आर्क को लेंगे और उसे एक सर्कल ड्रा कर लेंगे. पहले ऑलरेडी 3.5 ओपन है. यहाँ से हम सर्कल लेते हैं इधर. हमने इसका डायमीटर ड्रा करना है कि पॉइंट ओ हो गया इसका सेंटर पॉइंट ए. यहाँ से हम इसका डायमीटर ड्रा कर लिया हमने. उसके बाद हमने इसी लेंथ की हमें वो पॉइंट चाहिए. फिर से उसके लिए हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स चाहिए. उसके लिए हम जो लेंथ इसका रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक इसी लेंथ की एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर. जो कि सर्कल को मीट की इस पॉइंट पर जाकर हमने इसके डायमीटर से और इस आर्क को मैच करना है आपस में जो कैसे ट्रायंगल बनेगी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल. हमें ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं सिर्फ उसके पॉइंट चाहिए. ये एक पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट और दो ऑलरेडी है और इसी तरह
मैच कर देंगे ऐसे। और ये सर में हमें छः पॉइंट्स मिल गए हैं जिन पे हम हेक्सागन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि उसके छः साइड्स होती हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। इन पॉइंट्स पे हम हेक्सागन जो है ड्रा करनी है, उसके लिए यहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रा करने होंगे छः पॉइंट्स पे। तो पहले पॉइंट ए का टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट के हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए साथ इसके। अब आर्क खोल सकते हैं किसी भी लेंथ की, जैसे यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये 60 पे रख के लगाई और जैसे 120 पे। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टेंजेंट ड्रा हो जाएगा। इसका सेकंड टेंजेंट ड्रा करेंगे पॉइंट बी के ऊपर। तो यहाँ पर भी 90 के एंगल में आना पड़ेगा हमें, ऐसे रहने दे इसको। जो पॉइंट बी पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, जैसे इस पॉइंट से यहाँ तक ये हो गया 60, फिर यहाँ पे हो गया 120 और इसको मैच करना है। फिर सही तक यहाँ पर आर्क और पॉइंट मीट करते हैं। यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि इसका टेंजेंट होगी। इसका पॉइंट सी पे ड्रा करेंगे टेंजेंट। उसके लिए यहाँ भी 90 के एंगल लेना पड़ेगा हमें। आ गया इधर से ये 60 और ये 120 को बाइसेक्ट करें तो एंगल आ गया 90 का। पॉइंट डी पे ड्रा करना है टेंजेंट, उसके लिए पॉइंट डी पे चाहिए 90 का एंगल। अब आएगा पॉइंट ई, ये होगा 60 के एंगल, फिर इधर रखेंगे 120, फिर 120 और 60 को बाइसेक्ट करना है। पॉइंट ई भी ड्रा कर, लास्ट पॉइंट बचा पॉइंट एफ, फिर भी हम 90 के एंगल ड्रा करेंगे।
एक ले आर्क लगा ली, तो ये 60 की आर्क है, यहाँ पे 60 के बाद यहाँ पे आएगी 120 की, उसको बाईसेक्ट करना है। ये वाली आर्क है, तो ये हमारी रेगुलर हेक्सागन जो है वो कंप्लीट होगी। इसका नाम ये रख लेते हैं फाइनल पॉइंट पी, ये मतलब हेक्सागन के पॉइंट पॉइंट क्यू आर पॉइंट एस, ये टी और ये पॉइंट हो गया यू। तो ये हेक्सागन हमारी कंप्लीट होगी। अब इसके सेकेंड स्टेप लिखेंगे, सबसे पहले हमने सर्कल ड्रा किया था जिसका रेडियस था 3.5 सेंटीमीटर। ड्रा अ सर्कल विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जो कि था एडी। तो हमने ये आर लगाई थी इधर से जो कि पॉइंट एफ और बी हर मिल रही है। पॉइंट ए से फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉन एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर विच कट्स अ सर्कल एट पॉइंट बी एंड पॉइंट बी था और ये पॉइंट एफ था। इस बाद हमने फिर इसको ज्वाइन किया था बी को ओ के साथ और एक्सटेंड कर दिया था ई तक, फिर इधर से एफ को ओ के साथ और इसको एक्सटेंड किया सी तक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज्वाइन बी विद ओ एंड एक्सटेंड इट to meet the circle at E. उसको ज्वाइन किया था एफ को ओ के साथ, टू मीट एट सी और यहाँ से ये पॉइंट सी के साथ जाके मैच किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रा किए थे इन सारे पॉइंट्स के। तो हम लिख सकते हैं ड्रा टेंजेंट्स एट पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ इंटरसेक्टिंग, इसमें इंटरसेक्ट किया था पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू तक।
हेडिंग वन एंड अदर हेड पॉइंट्स ई क्यू आर एस टी एंड यू रिस्पेक्टिवली. Thus, P Q R S T U is the required hexagon. इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहते हैं सर्कमस्क्राइब हेक्सागन अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. ये भी सेम ऐसा ही, इसको भी कर लेते हैं एक बार. यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ये आर्क बनेंगे और यहाँ से 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है. अब उस तरह पर इसका डायमीटर लेंगे एडी. तो पॉइंट ए से यहाँ तक लगाएंगे आर्क, फिर आगे इसको एक्सटेंड करना है आपने यानी कि किस पॉइंट पे जाके मीट करते हैं. इस तरह के पॉइंट हो जाएंगे ए बी सी डी ई एफ. अब यहाँ पे हमने ड्रा करनी है टेंजेंट्स इन 6 पॉइंट्स पे. पहले पॉइंट ए पे ड्रा करते हैं, एंगल 60 का, ये 180, यहाँ से फिर यहाँ पे बाईसेट हो गई होगा 90 का. फिर सर यहाँ ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद टेंजेंट ड्रा करेंगे. ये हो गया 60 का, अभी आगे से तो 90. तो ड्रा करने के लिए यहाँ पे 60 और इसको बाईसेक्ट करना पड़ेगा, 60 और 120 ये बाईसेक्ट हो गया. आगे पॉइंट सी पे ड्रा करना है, इसके लिए लेंगे ये हो गया 60 का और उसके बाद अगला ड्रा करना है 120 का. पॉइंट डी सिक्सटी और 120 को बाईसेक्ट करना है तो यहाँ से आर्क लगाएंगे इस तरह. पॉइंट ई है, ई पे भी ड्रा करेंगे 90 का एंगल,
ये आर का यहाँ तक, उसके बाद ये 60, ये 120, पॉइंट एफ के ऊपर, ये सारी आर्स हमने ड्रा करनी है। यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे सारे पॉइंट्स के, पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट बी से, ये आर्क ये वाली, पॉइंट सी, सी की आर्क ये थी, डी डी की आर्क ए वाली थी, इसे मैच करेंगे इसको, फिर पॉइंट ई, ई की आर्क ए, पॉइंट एफ, इस तरह के इंजन पॉइंट से मीट के हमारे पॉइंट्स हो गए पी क्यू आर एस, ये पॉइंट टी और ये पॉइंट यू, तो ये हमारी रिक्वायर्ड हेक्सागन हो गया। तो इसके हमने लिखने का सेकंड स्टेप्स, सबसे पहले हमने डायमीटर ड्रा किया था सर्कल इन द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये ड्रा आर डायमीटर ए डी सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। पॉइंट ए से फिर हमने आर ड्रा की थी बी एफ, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा आर्क बी एफ, फिर हमने बी को ओहजैन किया और उसको प्रोड्यूस किया था ई तक, और एफ को ओहजैन करके प्रोड्यूस किया सी तक, बी बी दो एंड एक्सटेंड टू मीट द सर्कल एट ई, तब इसको ज्वाइन किया एफ को, विद ओ एंड एक्सटेंड इट टू मीट द सर्कल एट ई। सो फिर हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किए थे उस पॉइंट्स के, ड्रा टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ, जो कि इंटरसेक्ट किए थे पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू के,
tangents intersects at points P, Q, R, S, T and U respectively. So my bajum se required hexagon agi wo P, Q, R, S, T required hexagon agi. S P Q R S T U is the required circumscribed hexagon. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.2 जो कंप्लीट होगी, आपने इसके लिए खुद मतलब प्रैक्टिस करनी है, कल इंशाल्लाह 13.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।